मोटर कार रिव्यू। बहुत सारी थार की मॉडिफिकेशन आपने देखी होगी, लेकिन आज अपने पास है ब्लैक फुल टॉप एंड वेरिएंट थार ऑटोमेटिक, और इसको करने हम लोग गैंगस्टर एडिशन वाली मॉडिफिकेशन करें। मॉडिफिकेशन के प्रोसीजर दिखाऊंगा कि किन किन चीज़ों को रिमूव किया जाता है और किन किन पार्ट्स को अपग्रेड करके मॉडिफाई करके आपकी थार बनती है गैंगस्टर एडिशन। चलिए दिखाते हैं कैसे मॉडिफाई हो रही थार। और तो गाइज, ये है महिंद्रा की थार जो कि टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक, और इसका फ्रंट फेसिया अभी का देख सकते हो। इसे करने वाले हम लोग मॉडिफाई, फ्रंट के सारे ग्रिल और बम्पर जो एग्जिस्टिंग है उसे हम लोग खोल रहे हैं। अभी खोलने का प्रोसीजर देख सकते हो। अभी साथ के साथ सुशील भाई अपना खोल रहा है और इसे चेंज करके बिल्कुल जीप वाली जो टच होती है फ्रंट की फेसिया वो वाली करने वाले ग्रिल खोल रहे हैं, साथ के साथ बम्पर खोल दिया। और जो इसकी DRL है गाइज, इसमें भी कुछ नया चमत्कारी करने वाला है जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा, बिल्कुल हटके होगा। तो ये वाली ग्रिल खोल दिया, थार के ग्रिल काफ़ी हैवी सी आती है। तो ग्रिल हटने के बाद देख सकते हो थार की लुक कैसी लग रही है, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल वाली। और ये सारे इसके रेडिएटर आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो ये तो एक्सटीरियर के हमने पार्ट्स रिमूव कर दिए, जिसको मैंडेटरी होता है कि आप गैंगस्टर एडिशन वाले लुक दे रहे हो तो मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई होगी। थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, इसे रेंगुलर स्टाइल वाली हम लोग लुक देंगे। ग्रिल भी चेंज होगा, साथ के साथ इसका फ्रंट बम्पर चेंज होगा। देख सकते हो फ्रंट में फेंडर लाइन के साथ में हम बुल हॉर्न के गार्ड इंस्टॉल करें जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और इसे आप रेड में कलर करा सकते हो। रेड कलर होने के बाद काफ़ी अच्छी लुक निकल के आ जाती है इसकी। और ये है इसका फर्स्ट इंस्टॉलेशन एक्सटीरियर में। साथ के साथ आप ऊपर देख सकते हो DRL कंपनी फिटेड है, इसे भी हम लोग चेंज करके एक अच्छा लुक देने वाले जो कि आप देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम लगने वाली है। अभी तो बिल्कुल डल डल से लगती है जो महिंद्रा की स्टॉक आते हैं, और इसे कुछ हटके करने वाले। अब बात आती है इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हो रही है वो दिखाता हूँ। फ्रंट का आपने फेसिया देख लिया, इंटीरियर में हमने रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है। अभी फिलहाल देख सकते हो रूफ़ के सारे पैनल्स जो स्पीकर्स आते हैं वो रिमूव कर दिए गए, वो होगा हाइड्रोडिप में पेंट। रेड कलर और ब्लैक की कॉम्बिनेशन बनानी है, और साथ के साथ हीट रिड्यूस करने के लिए ये देख सकते हो फोम की हमने पेस्टिंग करवा दी गई है कि ताकि इसमें जो कपड़े की फिटमेंट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। चेंज करेंगे और डोर्स में डैम्पिंग कर दी जाएगी। अभी का कंडीशन आप देख सकते हो, एसी वेंट्स आपको ऐसा कुछ नॉर्मल देखने को मिल जाता है। अवतार का कंपोनेंट फाइनल हुआ गाइस, और ये सारी फिटमेंट कर दी जाएंगी। तो अभी बहुत सारा काम होने बाकी है, सारी वायरिंग चल रही है, साथ के साथ सीट कवर बनने के लिए रेडी हो रहा है, और जो पार्ट्स इंटीरियर के रिमूव किए उसको मैं एक बार आपको स्लो मोशन में देखूँ। ये सारे पार्ट्स को पेंट करके हाइड्रोडिप में कलर कम्बिनेशन बनाया जाएगा, ग्लॉसी एंड रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो नेक्स्ट लेवल। तो इतने सारे इंटीरियर्स के पार्ट्स हैं जो कि हमने पेंट करना है ग्लॉसी ब्लैक में, और साथ के साथ रेड का ये देख सकते हो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन डोर्स का हमने करा के रेडी कर दिया, जो कि आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। और जो ग्लॉसी टच देंगे रेड एंड ब्लैक के बाद वो आप देखोगे, उससे आपको थार की जो गैंगस्टर वाली लुक आएगी वो नेक्स्ट लेवल वाली आएगी। तो गाइज, फाइनली गैंगस्टर एडिशन थार रेडी हो चुकी है, और आप फ्रंट की फेसिया देख सकते हो। हमने DRL जो डाला था अभी इंडिकेटर पे आपको मैट्रिक्स स्टाइल में दिखेगा, और फ्रंट का लुक देखो गाइज काफ़ी बढ़िया बल्कि और गैंगस्टर वाली लुक को कम्प्लीमेंट करती है। DRL करीब से देखो, इसमें सारे लाइंस बने हुए हैं जो कि 7S लाइंस होते हैं, और ये मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ के साथ आपके DRL के भी काम करता है। और एक बार करीब से आप इसका फ्रंट का लुक देख सकते हो, ग्रिल देख सकते हो जो कि हमने 7S स्टड वाली ग्रिल डाली है, जिसमें रेड इंशर्ट किया गया, रेड एंड ब्लैक का हमने थीम रखा। और ये गाइस साथ में अलॉय व्हील्स का प्रोफाइल देखो, काफी बढ़िया इंगिबस के लोगो लगा हुआ अलॉय व्हील्स डाला हमने, इसमें 5 अलॉय व्हील्स डाला गाइस। तो सारी डिटेल बताऊंगा, एक बार फ्रंट फेसिया काफी अच्छे से आप लोग देख। फ्रंट में जीप इंस्पायर बम्पर लगा हुआ है जो कि 12 टन, और साथ के साथ सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसमें हमने डाला है LED लाइट जो कि होगा मैक्सट्रॉन ब्रांड का। बहुत जल्दी इसके मैक्सट्रॉन ब्रांड की डिटेल रिवील करने वाला हूं कि कैसे कैसे आप किसी भी गाड़ी के लिए लगा सकते हो। तो गाइस, इसकी जो आउटपुट है थ्रो है वो बहुत ही अच्छा और खास करके थार में बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हमने हेडलाइट को चेंज नहीं किया LED से, क्योंकि वो गैंगस्टर वाली लुक नहीं देते, वो फील नहीं आता, वो थोड़ा सा फैंसी सा लगता है। तो हमने स्टॉक में ही LED से अपग्रेड किया। फ्रंट का देख सकते हो बम्पर हमने जीप से इंस्पायर सेम बम्पर लगाया, और साथ के साथ जो ग्रिल है वो भी जीप का है, और क्विक रिस्पॉन्स है अपनी LED की। तो ये है गाइज फ्रंट की एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशन, और साथ के साथ और बम्पर में गाइज हमने IPH का प्रोजेक्टर के साथ में मैक्सट्रॉन की LED डाला था, 180 वॉट है गाइज, जिसका ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल है, ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और जितनी भी इसमें लाइट लगी है सारी वाटरप्रूफ है, क्विक रिस्पॉन्स है गाइज LED की, काफ़ी करीब से आप देख सकते हो।
ट्रिपल टोन आ रहा है बम्पर में, आपको रेड का भी इंसर्ट मिल जाएगा साथ में, जो हमारा फॉग लैम्प के एरिया है सराउंडिंग में आपको सिल्वर फिनिश मिलेगा जो कि स्पॉटी लुक डिज़ाइन जो बोलते हैं वो क्रिएट करा, और साइड व्यू से देख सकते हो अलॉय व्हील्स काफ़ी बल्की और काफ़ी बढ़िया से अलॉय व्हील्स है, ऑफ रोडिंग वाले टायर साथ के साथ डाले गए हैं और सारे स्टिकर और सब कुछ लगा के 5 अलॉय व्हील्स ऐड किया है सेम टाइम में, और काफ़ी करीब से देखो थोड़ी नाइट की व्यू है, और यहाँ पे हमने हिंजेज ऐड किया जो कि फंक्शनल ऑफ रोडिंग में आप इस पर लोड कैरी कर सकते हो, इससे चढ़ सकते, ये साइड से देखो कितनी बढ़िया लग रही है थार। ये है महिंद्रा थार ऑटोमेटिक जिसे हमने रेड एंड ब्लैक एडिशन करके गैंगस्टर वाली एक लुक दी है। चलते रियर में दिखाते हैं रियर में हमने क्या क्या एड ऑन किए हैं, क्या क्या मॉडिफाई किया है। तो रियर में देख सकते हो गाइज हमने टेल लाइट, स्टॉक टेल लाइट को हमने चेंज कर दिया, कंपनी से फिटेड स्टॉक टेल लाइट आपको आता है स्क्वायर में, और इसे देखिए क्रॉस वाले डिज़ाइन हमने दिया, अभी इस पर पन्नी चढ़ा हुआ है, इसे नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा कि इंडिकेटर पे ये कैसा फंक्शनल है, और साथ के साथ गाइज हमने डाला इसमें रिफ्लेक्टर जो कि सेम पैटर्न पे जो टेल लाइट के कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, काम हुआ है कार फैशन, यहाँ पे डायरेक्टली आके आप अपनी सारी थार की एसेसरीज ले सकते हो, मॉडिफाई करा सकते हो, इस लेवल की थार बना सकते हो, यहाँ पे महिंद्रा जेन्युइन सारी एसेसरीज मिल जाता गाइज। तो दिखाते हैं अब इंटीरियर का व्यू, इंटीरियर में हमने क्या क्या ऐड किया है। तो गाइज इंटीरियर में चलने से पहले मैं डोर्स पैनल दिखाऊंगा जो कि इंस्टॉल हो चुका है, हमने रेड एंड ब्लैक और साथ के साथ पियानो का फिनिश दिया, तो एक बार डोर्स देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, पियानो ब्लैक स्पेशली मेरे को खास करके थार में पसंद आ रहा है क्योंकि थार के जो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन बिल्कुल डल सा आता है, और इसे पियानो ब्लैक करने के बाद लुक एनहांस होती है, और साथ के साथ इसमें K4 वाली एम्बियंट लाइट लगी है जो कि डोर से बिल्कुल अंदर छिपा हुआ हिडन है और लगेगा कि आपको कंपनी फिटेड है, तो ये होती है क्वालिटी ऑफ वर्क गाइज। तो इसको करीब से मैं दिखाने का रीज़न ये कि फिटिंग अगर अच्छी होगी और काम अच्छे होंगे तो ही मॉडिफिकेशन का वर्थ है, और यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट ऐड किया है थार के लिए स्पेशल आता है, यहाँ पे थार की बैजिंग देख सकते हो उसमें एम्बिएंट लाइट है, ये थार की बैजिंग स्पेशली मेरे को खास करके पसंद आ रही क्योंकि ये एम्बिएंट लाइट का भी काम और गाड़ी के लुक को काफी एनहांस करते हैं। यहाँ पे हमने एसी वेंट्स पे भी एम्बिएंट लाइट वाली एसी वेंट्स ऐड किया जिसे आप रिमोट के थ्रू चेंज कर सकते हो, यहाँ इनिशियली ब्लू पे और इसे बटन के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो, और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, और देखो एम्बिएंट लाइट कितनी बढ़िया लग रही है गाइज पूरे आपके डैशबोर्ड में, साथ के साथ एसी वेंट्स भी एम्बिएंट लाइट में, तो आप जो एम्बिएंट लाइट का डिज़ाइन है और उसे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कैसा मूड है, कैसा म्यूजिक सुन रहे हो आप, कैसे माहौल में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेलेक्ट करके आप लगा सकते हो। और ये देखो रनिंग में दिखेगा K4 है, K4 एम्बिएंट लाइट आपको ऐसा ही ग्लो होगा, चाहोगे तो आप इसकी लाइट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो ये सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। और एक बार देखो ये करीब से, तो ये है गाइस हमारी एसी वेंट्स जो कि थार के लिए स्पेशली आता है, और उसमें एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगी, और रनिंग में एम्बिएंट लाइट इस डोर्स के और इंटीरियर के लुक को काफ़ी एनहांस करता है। और आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो हमने ये सारी मॉडिफिकेशन किए, ऐड ऑन किए, उसके लुक कैसे लग रही है। अगर तो गाइस स्टीरियो के पैनल्स को पियानो ब्लैक में किया गया है जो कि काफ़ी अच्छे लुक को इन्हांस करता है, और साथ के साथ हमने स्टेयरिंग व्हील्स को भी रेड इंसर्ट दिया, स्टेयरिंग की रैपिंग की गई है जिसे बोलते हैं मून डिज़ाइन, नीचे आपको देखा ये वाले पार्ट पेंट किया है जिसपे महिंद्रा के लोगों काफ़ी प्यारा लग रहा है, नया वाला लोगो देख सकते हो, और इस वाले को स्टिचिंग किया गया, टॉप मॉडल में भी ऐसा स्टिचिंग नहीं आता, तो ये कस्टमाइज किया हुआ है डुअल थ्रेड में, और ये मून डिज़ाइन में बना हुआ पैटर्न। सीट कवर की बात करें, सीट कवर डुअल टोन आपको मिल जाएगा रेड एंड ब्लैक का, सेम पैटर्न है, इंपोर्टेड लेदर होने वाला है, और ये डिज़ाइन आप साइड बाई साइड देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, साथ के साथ एम्बिएंट लाइट करीब से देखो सीट कवर के, बहुत सारी चॉइस है यहाँ पे, आर्मरेस्ट ऐड किया गया थार का जो आता अपना ओरिजिनल वो वाला, और रियर की सीट देख सकते हो फ्रंट से कितनी बढ़िया फिटिंग आई है रियर की सीट के, और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट है साइड वाले आर्मरेस्ट विद चार्जर आपको मिल जाएगा, चार्जर सॉकेट, तो एक कंप्लीट व्यू देख सकते हो। रूफ पे हमने सॉफ्ट टच लेदर वाले जो डिज़ाइन है उसे दिया, और इस वाले पैनल को रेड से पेंट किया, और स्पीकर्स को ग्लॉसी ब्लैक किया कि ताकि लुक निखर के आए इसकी, और ये देखो सारे स्पीकर ट्विटर वाले पार्ट पेंट है, और ये फुटबॉल डिज़ाइन में लेदर वाली कपड़े चढ़ाई गई है, और इसके अंदर आपको हीट रिड्यूस करने वाले फोम भी डाला गया कि ताकि आपकी गाड़ी की कूलिंग काफ़ी अच्छी हो, और डिज़ाइन एक बार देख सकते हो। एक बार मैं कंप्लीट रूफ का व्यू दिखाऊंगा गाइस, तो ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, रियर में भी काम हो चुका है, और ये सीट कवर अपना ऑल टाइम फेवरेट है, रेड एंड ब्लैक में ऐसा डिज़ाइन आपने नहीं देखा होगा, थ्रेड वर्क काफ़ी अच्छा है, फिटिंग काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है कि रियर पैसेंजर को लिए बैठने में कंफर्टेबल हो। एक बार कंप्लीट रूफ देखो गाइस स्लो मोशन में, ये देखो रूफ और साथ के साथ पियानो ब्लैक हमारे स्पीकर वाले पार्ट्स हो गए और ट्विटर वाले, थे इसे हाइड्रो डिप में पियानो ब्लैक किया गया कि ताकि इसकी लुक काफ़ी इनहांस हो जाए, और प्रीमियम लेवल का एक इंटीरियर जो कहते हैं उसे बनाया गया है। रूफ काफ़ी करीब से देखो
सेम ही कपड़े की क्वालिटी होगी जो जिससे हमने सीट कवर को लगाया, सीट कवर वाले डिज़ाइन दिया, वही कपड़े की क्वालिटी। तो गाइज ये थी अपनी गैंगस्टर एडिशन वाली थार की मॉडिफिकेशन। गाइज कोई भी क्वारी हो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, आप अपनी कमेंट्स रख सकते हो, आपको कोई सजेशन देना है वो भी कर सकते हो, और डायरेक्टली कॉल करके महिंद्रा जनवी सारी एसेसरीज ले सकते हो। महिंद्रा की थार पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देना ताकि कार से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।